सबसे पहले देख रहा है बिनो। यदि आपका माउस या कीबोर्ड किसी कारण काम ना करे और आपको इमरजेंसी में काम करना हो तो आप क्या करेंगे? इसके लिए भी एक उपाय है, रिमोट माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मोबाइल को माउस और कीबोर्ड की तरह इस्तेमाल में ले सकते हैं। अपने पीसी को पूरी तरह से मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मोबाइल को माउस और कीबोर्ड की तरह इस्तेमाल कैसे करें यह जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ आपको टाइप करना है रिमोट माउस, लिख के सर्च करेंगे। फर्स्ट लिंक में आप क्लिक करेंगे। गेट नाउ में क्लिक करेंगे। अगर आपका विंडोज है तो विंडोज में क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं रिमोट माउस डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है पीसी में। अब हमको काम ये करना है कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से यही सेम रिमोट माउस को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने रिमोट माउस को पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। सबसे पहले मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लेंगे और पीसी का वाईफाई ऑन करके मोबाइल और लैपटॉप को कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल पीसी से कनेक्ट हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे टास्क बार में क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं एक आईपी एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा। इसी आईपी एड्रेस को अपने मोबाइल में इंटर करना है और आपको कनेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ आईपी एड्रेस को ब्लर कर दूंगा। कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अपने मोबाइल से हम कर्सर को इधर से उधर कर रहे हैं तो मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमारा मोबाइल पूरी तरह से माउस की तरह काम कर रहा है और आप इसमें कीबोर्ड की तरह भी काम कर सकते हैं, कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड का भी यूज हम अपने मोबाइल से ही कर रहे हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहीं से आप एमएस वर्ड में या कहीं भी टाइप कर सकते हैं।